हाय स्टूडेंट्स, आज आपका सी फाइनल नवंबर 2023 का लास्ट पेपर आईडीटी हो गया है। और आईडीटी का पेपर में बाकी सब कुछ तो ठीक था और प्रोविजन बेस्ड था, बस फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ स्पेशल पॉइंट डाले थे जिसमें बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अदरवाइज पूरे बाकी रिमेनिंग पेपर की बात करें या एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू भी ईजी थे और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी इजी था। लेकिन इन्हीं को इजी लगा होगा जिन्होंने प्रोविजन ज़्यादा पढ़े हैं, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो आज का जो पेपर है इसमें जिसने प्रोविजन पढ़े हैं उसको कहीं दिक्कत नहीं आई, और अगर किसी ने केवल क्वेश्चन ही करे हैं तो उसको तो दिक्कत का फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न बदल गया है। और इस बदले हुए पैटर्न में जो जितना ज़्यादा प्रोविजन तैयार करेगा उसको उतना ही पेपर ईजी लगेगा और उसका पेपर उतना अच्छा होगा, मार्किंग मार्क स्कोर करेगा। और जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे या क्वेश्चन बैंक्स के बेसिस पे बैठे हुए हैं, अब वो टाइम निकल गया, अब उसके बेसिस पे पेपर नहीं आ रहा है और ऐसे केस में पेपर्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो गया है, अब आप अपने जितने भी पास्ट जो पेपर हुए हैं उसको मैच करना हो, कुछ करो, डिस्कस करो, कुछ भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आपका काम हो चुका है। अब रिजल्ट का वेट करो और अब रिजल्ट भी आपको मोस्ट ऑफली दिसंबर एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।